दोस्तों बिग बॉस 18 के घर में जहां सभी कंटेस्टेंट ढूंढ रहे हैं अपना साथी अपना टीम बनाने के लिए, वहीं पर आपको बता दूं कि पहले से ही यहां पर दो टीमें बनी हुई हैं। यानी कुछ लोग घर में ऐसे आए हैं जिनकी पहले से ही जान पहचान है, जैसे कि आपको बता दूं चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनकी टीम में नज़र आ रहे हैं शहजादा धामी। वह शहजादा धामी जो हैं काफ़ी ज़्यादा एंग्री मैन के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पर सलमान खान ने आते ही उनको झाड़ दिया था। वेल अविनाश ने भी उन्हें जो है काफ़ी बड़ी हिदायत दी थी। अब देखना ये है क्या शहजादा धामी अपने आप को चेंज कर पाते हैं इस घर में। वेल दूसरा ग्रुप देखा जाए तो यहाँ पर चुम तरंग जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और काफ़ी बिल्कुल साफ दिमाग वाली लड़की नज़र आ रही हैं और उन्होंने यहाँ पर किसी से बॉन्डिंग नहीं बनाई है, सभी से सिर्फ बात करती नज़र आ रही हैं। बात की जाए मुस्कान की तो मुस्कान और शहजादा की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दोनों रात में एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते नज़र आ रहे थे। अरफीन खान और सारा खान तो पहले से ही हस्बैंड वाइफ हैं। वेल करणवीर मेहरा की बात की जाए तो उन्होंने आते ही फ्लर्ट करना शुरू किया था। अब जो है अब देखना यह है क्या वाकई में उनको कोई लड़की यहाँ पर पसंद आती है, क्योंकि करणवीर मेहरा का नाम जो है काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अक्षरों में लिखना चाहिए, क्योंकि वो एक के बाद एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, वो शादी करते नज़र आते हैं। वेल यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जो आए थे उन्होंने साफ साफ उनको ये चीज़ बताई थी कि अब ऐसा करना उनके लिए मुश्किल होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो मुस्कान और अगर शहजादा की बनती है तो इनका लव बॉन्ड देखने को मिल सकता है। चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा की एक बार फिर से बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। वेल यहाँ पर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।